रेस्टोरेंट स्टाइल काजू पनीर बनाने की रेसिपी। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लेंगे 4 बड़े चम्मच तेल, उसमें 200 ग्राम पनीर डालेंगे और इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। ये पनीर अब फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 कप काजू और उसे भी हमें शैलो फ्राई कर लेना है। ये काजू सुनहरे रंग के हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। उसी तेल में हम लेंगे 2 तेज पत्ते, दालचीनी, 4 से 5 काली मिरी, 5 से 6 लौंग, 3 से 4 इलायची और इन मसालों को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। फिर लेंगे 6 से 7 लहसुन के टुकड़े, 3 इंच अदरक डाल देंगे। फिर उसमें डालेंगे 2 कटे हुए प्याज, 2 कटे हुए टमाटर और इन्हें हमें 5 मिनट तक सौते कर लेना है। फिर इसे ठंडा करने के बाद इसकी प्यूरे बना लेनी है। प्यूरे बनकर अब तैयार है। फिर उसी कढ़ाई में हमें लेना है 2 बड़े चम्मच तेल, उसमें ये बनाई हुई प्यूरे डालकर 5 मिनट तक पका लेना है। फिर उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और इन मसालों को हमें अच्छे से पका लेना है कम से कम 5 मिनट के लिए। फिर उसमें 1/2 कप काजू पेस्ट डालनी है। नमक स्वादानुसार, तो 1 कप पानी, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसमें फ्राई किए हुए पनीर और काजू डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच गरम मसाला और इन सबको हमें मिक्स करना है। फिर उसमें 1 बड़ा चम्मच शहद डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच मलाई डाल देंगे। फिर 1/2 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डाल देना है। और इसे हमें 2 मिनट तक पका लेना है। अब ये पक चुका है, हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल काजू पनीर अब तैयार है।